हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस। चलिए देख लेते हैं उसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले चावल को बॉईल कर लेंगे। चावल को 1 घंटा पहले ही भिगो के रखे थे और इसमें डाल देंगे। चावल को 90% बॉईल कर लेंगे। चावल पक गया है और इसे उतार लेंगे। एक पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें बादाम काजू को स्लाइटली फ्राई कर लेंगे। काजू हो गया है हमारा, अब उसे निकाल लेंगे। फिर इसमें रेजिस को भी फ्राई कर लेंगे। हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसके बाद पैन में 2 चम्मच घी देंगे। दो चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 इलायची, 2 छोटी स्टिक दालचीनी, 4 लौंग डाल दिया। 30 सेकेंड इसे फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें गाजर, बीन्स, और कैप्सिकम डाल देंगे। 3 से 4 मिनट उसे फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। फिर इसमें नमक दे देंगे स्वाद अनुसार। चार मिनट तक फ्राई कर लिया और इसमें राइस दे देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चीनी और नमक देंगे स्वाद अनुसार। किशमिश और काजू भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ढक के 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम में कुक करेंगे। 5 मिनट हो गया है हमारा, ये देखिए फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया है। मगर हम सर्व कर दीजिए चिकन के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।